हेलो दोस्तों, मैं प्रकृति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे KVS PRD टीचर सैलरी के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि जो KVS में जो PRD टीचर्स होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, और हम आज पूरे डिटेल में बात करेंगे कि उनको कितना परसेंट DA, कितना TA और HRA कितना मिलता है। तो इसकी पूरी डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे, और मैं आज आपको इसकी पूरी डिटेल के बारे में बताऊँगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, अभी 2018 में जो KVS की वैकेंसीज आई थी PRT, TGT और PGT की, तो इसका जो भी रिज़ल्ट है वो भी रिज़ल्ट नहीं आया है। और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो जो लोग इसमें क्वालिफाइड होंगे, और जिन लोगों ने तैयारी की है और जो आगे आगे आने वाले टाइम में KVS के लिए प्रिपरेशन करना चाहेंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि उनके लिए मेरा चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इसमें टीचर से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन्स आपको दूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अभी ये PRT के टीचर की सैलरी के बारे में बताया मैंने, और अभी कुछ टाइम में मैं आपको TGT और PGT की सैलरी भी पूरी डिटेल वाइज बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं, हम बात करते हैं कि क्या रहेगी PRT टीचर की सैलरी। तो देखते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो KVS PRT टीचर्स होते हैं उनका जो पे स्केल होता है वो 9,300 टू 34,800 होता है। जी हाँ दोस्तों, ये उनका पे स्केल होता है। और जो पे ग्रेड होता है दोस्तों वो होता है 4,200, तो 4,200 इनका पे ग्रेड होता है। और जो बेसिक सैलरी होती है, क्योंकि जो DA बनता है, जो DA और HRA बनता है वो बेसिक सैलरी पर बनता है, तो वो जो बेसिक सैलरी होती है वो 35,400 है। तो जितने भी DA, TA और HRA होंगे वो सब इसी पर बनते हैं, तो बेसिक सैलरी पर बनते हैं, क्योंकि 12% DA हो गया है 2018 से। जनवरी 2018 से गवर्नमेंट ने 12% DA कर दिया है। इससे पहले 5% DA मिलता था, तो 7th पे कमीशन के बाद ये 12% हो गया है। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कितना DA लगता है। और ये जो DA होता है ये 12% होता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो DA 12% निकलेगा जो बेसिक सैलरी पर, ये जो लास्ट में 35,400 जो बेसिक सैलरी है उस पर जो DA लगेगा वो 12% लगाएंगे, तो वो 4,248 बनकर आएगा। तो ये इतना DA तैयार होकर आएगा। और HRA, जो HRA होता है दोस्तों, वो XYZ सिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलता है। और मैं आपको बताऊँगी कि सेंट्रल में जो XYZ सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसके लिए मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लास्ट में दे दूँगी कि कौन कौन से सिटीज़ हैं जो XYZ में आते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर 35,400 जो हमारी बेसिक सैलरी है उस पर जो DA लगे HRA लगेगा, अगर X सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होती है तो 24% लगेगा, अगर आपकी पोस्टिंग Y सिटीज़ में होती है तो 60% मिलेगा, अगर आपकी पोस्टिंग Z सिटीज़ में होती है तो 8% HRA आपको आपकी बेसिक सैलरी पर मिलेगा। इसका पूरा मैं आपको XYZ सिटीज़ के अकॉर्डिंग पूरा बनाकर दिखा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी फुल एस्टिमेट सैलरी कितनी आएगी। अभी ये बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं इसको आराम से डिटेल में बता रही हूँ, ताकि आप लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है सैलरी को लेकर, DA TA को लेकर और HRA को लेकर क्लियर हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं TA की। जो TA होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो होता है वो होता है TA। XYZ सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी TA डिफरेंट होता है। और सेंट्रल में जो PRT टीचर्स हैं KVS के, उनके लिए जो X सिटीज़ का जो TA है वो 36,000 है दोस्तों, और जो Y सिटीज़ के लिए जो TA है वो 1,800 है, और Z सिटीज़ के लिए 900 इसका TA है। और एक मिलता है दोस्तों DA ऑन TA, DA पर एक TA मिलता है जो 12% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 12% मिलता है एक DA। तो वो जो टोटल X सिटीज़ का लिखा हुआ है, मैं आपको पूरी Y और Z सिटीज़ के बारे में भी बता दूँगी टोटल, तो ये इसमें दिया हुआ है। अभी हम इसका पूरा देख लेते हैं कि क्या बनकर हमारी सैलरी आती है। आई होप आपको ये सब चीज़ें तो इतनी क्लियर हो ही गई होंगी इस जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, क्योंकि जो UP होती है, UP या किसी भी स्टेट में जो होता है ये थोड़ा चेंज होता है, और सेंट्रल का थोड़ा चेंज होता है HRA DA वगैरह, तो इसलिए आप थोड़ा
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एक्चुअली थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस होता है हर स्टेट के और हर सैलरी में, तो आप इसे देखिएगा। और मैं भी TGT PGT की भी बनाऊंगी, UP TGT PGT की भी सैलरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगी मैं आपको तो। और टीचिंग से रिलेटेड जितने भी सिलेबस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, वैकेंसीज होती हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप देख लेते हो दोस्तों, ये टोटल जो बनकर आता है, ये देखिए ये जो टोटल बनकर आया, अब हम यहाँ देख लेते हैं। ये आप देखिए पे स्केल, ये देखो आप ऊपर देख रहे होंगे जो ब्लू में मैंने किया है अलग से, ये जो एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ एंड जेड सिटीज़ करके आप देख रहे होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा एनालाइज करके आपको बता रही हूँ कि पे स्केल जैसे मैंने आपको बताया इतना होता है, ग्रेड पे मैंने आपको बताया 4200 होगा, बेसिक सैलरी के ऊपर ये सारा हम DA वगैरह लगाएंगे इसमें। तो आप देखिए जो एक्स और वाई, मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ अगर आपको समझ में आ जाए, एक्स सिटीज़, वाई एंड जेड सिटीज, तो आप देख सकते हो देख रहे होंगे इसमें ये जो DA है 12%, जो एक्स सिटीज़ में 4248 है, वाई सिटीज़ में 4248 है, ये DA सेम रहेगा। HRA 24, 16 एंड 8% के अकॉर्डिंग इतना इतना आएगा, 8496 जेड एक्स सिटीज़ में, 5664 आएगा वाई सिटीज़ में, और 2832 आएगा जेड सिटीज़ में। फिर TA जो मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मैं आपको बता रही थी, वो फिक्स है, जैसा कि मैंने आपको 3600 होगा एक्स सिटीज़ के लिए, 1800 होगा वाई सिटीज़ के लिए, 900 होगा जेड सिटीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं DA ऑन TA, जिसे मैंने एक्स सिटीज़ का आपको वहाँ पे बताया था 12% और TA, ये 12% और TA जो निकाला गया है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे निकाला गया है। आप इसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपको एकदम ठीक आएगा। कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, 36,000 × 12/100 कर देंगे, देन आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो आप इसे कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी क्लियर कर दूँगी। तो आप देख लीजिए टोटल जो हमारी ग्रॉस सैलरी फिर बनकर जो आएगी, एक्स सिटीज़ के अकॉर्डिंग आएगी 52,176, वाई सिटीज़ के अकॉर्डिंग आएगी 47,328, और जो जेड सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो सैलरी आएगी हमारी टोटल बनकर 43,488 आएगी। तो दोस्तों ये तो हो हमारी ग्रॉस सैलरी हो गई, लेकिन एक जो आप पेंशन नहीं मिलती है, जो आप एक न्यू पेंशन स्कीम करके गवर्नमेंट ने बनाई है, तो वहाँ पर वो कटता है 10%। तो 10% कटने के बाद, लेकिन NPS मतलब NPS न्यू पेंशन स्कीम जो बनाई है चल रही है, उसमें 10% रिडक्शन फ्रॉम द बेसिक, बेसिक जो होता है उसे 10% रिडक्शन करके जो आपको एप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग जो वैकेंसी वो लगभग जो आपके नेट सैलरी जो इन हैंड आपको मिलेगी वो मिलेगी 46,000 to 47,000। जो लोग एक्स सिटीज़ में रहेंगे, किस में रहेंगे, जो लोग एक्स सिटीज़ में, इस सिक्वेंस को आप रखिएगा, या जो मैंने जो ये जो टेबल बनाई है इसमें एक्स वाई एंड जेड ये सिटीज़ के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी पोस्टिंग वाई सिटीज़ में होती है तो आपको 42,000 मिलेंगे, 42,000 to 43,000 तक मिलेंगे, ये लगभग होता है, हम इसे राउंड फिगर में ही लेते हैं। और 38,000 to 39,500 मिलेंगे आपको जेड सिटीज़ में, अगर आपकी जेड सिटीज़ में पोस्टिंग होगी तो। तो ये तो मेनली था कि आपको नेट सैलरी कितनी मिलेगी। अब काफ़ी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि एक्स वाई जेड सिटीज़ के अंदर कौन कौन से सिटीज़ आते हैं पूरे इंडिया में, तो मैं आपको देखा, क्योंकि KVS जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया है, मतलब सेंट्रल का एग्ज़ाम है, तो ये सेंट्रल के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट फाइनेंस ने जो एक्स वाई जेड सिटीज़ से फिक्स किए हैं वो उसके अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों एक्स सिटीज़, जो एक्स सिटीज़ के अंदर जो आते हैं वो आते हैं बेंगलोर, ग्रेटर मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता। तो अगर आपकी जो पोस्टिंग होती है वो इन सिटीज़ में होती है, आपकी KVS टीचर के लिए, PRT के लिए जो अगर आपकी पोस्टिंग होगी, अगर आपकी एक्स सिटीज़ में होगी, तो अगर इन सिटीज़ में होगी तो मैंने जैसा आपको बताया जो आपकी सैलरी होगी वो 46,000 to 47,000 होगी। अब हम बात कर लेते हैं वाई सिटीज़ की, जैसा कि आप इसमें लिस्ट में देख सकते हैं, आप देख लीजिए आपकी पोस्टिंग किस जगह होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एस्टिमेट निकाल सकते हैं राउंड फिगर में कि आपको अगर वाई सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पुडुचेरी, मेरठ, गाज़ियाबाद, रायपुर, राजकोट, ये तो आप देख लीजिएगा, अगर इनमें से किसी भी
इनमें से किसी भी सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो मतलब वाई सिटी में होती है तो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो 42,000 to 43,000 रहेगी। और नाउ लास्ट बात कर लेते हैं जेड सिटीज़। जेड सिटीज़ में सारे वो सिटीज़ आएंगे जो एक्स और वाई सिटीज़ को छोड़कर रेस्ट ऑफ एक्स एंड वाई सिटीज़ ऑल सिटीज़ इन कम इन जेड सिटीज़। ये सारे जेड सिटीज़ में आएंगे तो उनके उन जो जिन लोगों की पोस्टिंग जेड सिटीज़ में होगी उन लोगों को इन हैंड सैलरी जो मिलेगी 38,500 to 39,500 तक उनको अप्रॉक्सीमेट सैलरी इन हैंड उनको मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश की थी कि आपको ये सारा क्लियर हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करें एंड कोई भी दिक्कत हो जो आपको प्रॉब्लम कर रही तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो ये मेनली था KVS PRT टीचर को लेकर सैलरी का अपडेट। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको UP TGT PGT और KVS PRT सॉरी TGT PGT और CTET UPTET इससे रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको रियल एंड ऑथेंटिक अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, मुझे सपोर्ट करें। एंड आज के वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।